तो गाइस ये देखो, ये सोवा शोकर के काम में मेरे ख्याल से एक घंटा भी आने का, एक घंटा लग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने इसमें आपको माइनर प्रॉब्लम भी, जब हमारी बाइक पे आती है हम काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और आपको पता, कोई भी मैं अगर वीडियो बनाता हूँ काफी ज्यादा सोच समझ के बताता हूँ कि उसमें पैसा स्पेंड करूँ या ना करूँ, क्योंकि हर किसी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पता है मेरी बाइक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है शॉकर लीकेज की। तो गाइस, इसी को देखते मैं ये वीडियो लाया हूँ अपनी शॉकर रिपेयरिंग पे बाइक के। तो ये जाके पहले वीडियो देखो और इसके बाद बताता हूँ कि हमें शॉकर ठीक करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। इसके बाद हम एंड करेंगे वीडियो। और आप पूरी देखना यार, लाइक जरूर करना, पूरी देखना, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जाओ वीडियो एंजॉय करो। तो गाइस देखो, आप ये बाइक का टायर हमने साइड में रख दिया है, शॉकर पूरा भी खोलने का प्रोसेस चलेगा। अब ये टायर हमने साइड में रख दिया, अब देखो इसके अंदर हम रोड डाल रहे हैं। भैया चेक कर रहे हैं नीचे तक लीकेज तो नहीं है, नहीं थी। अब देखो ये साइड से इसके शॉकर के नट खोलेंगे, भैया साइड से इसके शॉकर के नट खोल रहे हैं। पहले नीचे के दो खुलेंगे फिर ऊपर के दो खुलेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप लीकेज देखो, राइट साइड में कितनी ज़्यादा लीकेज है और लेफ्ट साइड में भी सेम इतनी ही लीकेज मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा लीकेज थी। अब देखो नट का प्रोसेस आ गया है, ये देखो ये दोनों नट खुल रहे हैं, एल टाइप की टी से खुलेंगे। इस ये वाली टी लगेगी, इसमें कोई स्टार वाला नहीं लगता पेचकस नट लगता, ये वाले लगती हैं। देखा नीचे के खोल दिए हैं, अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे खोलते हैं। देखो दो खोल चुके हैं नीचे के, और देखो अब ऊपर के दो खोल रहे हैं, चार होते हैं एक शॉकर में नट, और इसके बाद पूरा आपका एक शॉकर खुल जाता है। बेसिकली मैं आपको एक शॉकर पूरा रिपेयर होते हुए दिखाऊंगा। तो गाइस ये देखो शॉकर भैया के हाथ में आ गया है, देखो गाइस। और ये पूरा अच्छे से इसके डिस्क वगैरह निकाल दिया, बाहर रख दिया। ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत शोर था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, माइक नहीं था मेरे पास, सॉरी उसके लिए। तो गाइस आप वीडियो देखते रहना। तो गाइस देखो, अब भैया उसके ऊपर का खोल रहे हैं, मतलब ऊपर का जो खाना होता है वो खोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का ऑयल बाहर निकालना है। तो वो पहले आपको ऊपर से खोलना पड़ता है, देखो गाइस ऊपर का भैया खोल रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर एक नट होता है, उसको दोबारा खोलना पड़ता है, तब जाके ऑयल और स्प्रिंग बाहर आती है। देखो ये नट खुल चुका है, अब इसके बाद भैया देखना, आप दिखाएंगे आपको ये साइड का, पहले साइड की ये सील निकालनी पड़ती है, सील निकाल के ही इसका पूरा काम आगे बढ़ता है, वरना ये अंदर बाहर नहीं होता। अभी देखो भैया जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, तो गाइस देखो अब ये ऊपर का नट खुल रहा है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये पूरा नट खुलेगा प्रॉपर। वैसे मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ वीडियो, वैसे एक घंटे का पूरा ये काम है, एक घंटे से ऊपर भी लग सकता है, लेकिन एक दो घंटे में हो जाता है। तो देखो नट खोल दिया भैया ने, अब इसके अंदर स्प्रिंग और तेल निकालेंगे, देखो भाई स्प्रिंग निकल गया, अब इसके अंदर का सारा ऑयल बाहर आएंगे। ऑयल निकालना ज़रूरी है क्योंकि नया ऑयल डालना है, तो उसमें गंद रहना नहीं चाहिए। तो यही स्प्रिंग जो देखी आपने, यही सस्पेंशन को ऊपर नीचे एक सहारा देती है, जो गाड़ी को आपकी स्मूथिंग करती है, मतलब आपकी राइड स्मूथ करती है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो ये शॉकर के अंदर की मेन स्प्रिंग है। तो गाइस अब देखो ये सारा इसका ऑयल अंदर से निकाल दिया है, ऑयल के बाद देखो आप स्प्रिंग भी आ गया, पूरा ऑयल गंदा था वो तो होएगा ही। अब देखो भैया आगे दिखाएंगे, ये अब सारे जो इसके अंदर पार्ट है वो साफ़ होएंगे प्रॉपरली, एक भैया ने उसको प्रॉपरली साफ़ करा है, वो मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ आगे कौन सा प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइस देखो साफ़ कर दिए हैं सारे प्रोडक्ट, अब ये अंदर से जो इसका शॉकर का नीचे वाला पार्ट होता है ये अंदर से साफ़ हो रहा है। बेसिकली एक एक नट भैया ने साफ़ करा है और अंदर से भी प्रॉपर साफ़ करा है, कोई इसमें पुराना ऑयल नहीं रह गया। अब देखो गाइस ये रहती है इसकी वॉशर, मतलब सील डलवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यही आप नहीं डलवाओगे तो बेकार हो जाएगी गेम। भैया ने मेरे को कहा मैं पुरानी डाल दूँ चल जाएगी, लेकिन नया मैंने कहा नहीं भैया ये न्यू डालो, कभी भी शॉकर चेंज करवा लो, लीकेज मतलब रिपेयर करवा लो, इसमें नई सील डलवाओ, ब्रांड न्यू सील डलवाओ, कंपनी की सील डलवाओ, बिकॉज इसमें ये सब सील का ही खेल है, वरना आपका ऑयल फिर लीक हो सकता है, तो पूरे पूरे चांसेस रहते हैं सील खराब होने के। तो सील अच्छी से डलवाओ, उसके चाहे उसके ऊपर ये पार्ट देख रहे हो ये मैंने पुराना ही लगा रह दिया। तो देखो अब भैया इसको ठोकेंगे ठीक करेंगे। अब देख लो गाइस ये ऊपर का जो नट है ये टाइट हो रहा है, ऊपर का देखो शॉकर का नीचे जो उसको जोड़ रहा है, ठीक है ये प्रॉपर टाइट कर देंगे भैया। इसके बाद में ऑयल भी डालेंगे, बोतल देख रहे होगे आप। तो देखो गाइस ये रहा भैया का, ये भैया पहले इसको देख रहे हैं कोई लीकेज या फिर कोई अंदर परेशानी तो नहीं, और ऊपर नीचे जा तो रहा है। अब ये ऊपर से इसका नट खोल दिया तेल डालने के लिए। अब ऑयल देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑयल रहने वाला है, वैसे तो लोकल ही रहने वाला है ये, इस कंपनी का मैंने सुना नहीं। तो भैया ये ऑयल डाल रहे हैं, और अपना भी ऑयल आप डलवा सकते हो अगर आपके पास है तो। ऑयल डालते हुए देखो एक बार प्रॉपर तरीके से ऑयल डाला है, ज़्यादा इसमें डलता नहीं ऑयल, थोड़ा सा ही डलता है। अगर आपके पास है तो आप अपना ऑयल ले जाओ कंपनी का। अब ये भैया टाइट कर रहे हैं इसको दोबारा से, ठीक है टाइट करते हुए दिखा रहे हैं भैया अभी इसको प्रॉपर,
तो गाइस देखो अब ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। इसके बाद नट के ऊपर दोबारा ऑयलिंग करी जाती है, इस पर दो बार ऑयलिंग करी जाती है कि ताकि अच्छे से रहे, अच्छा लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस रहे। अगर कोई एक बार डाल रहा है ना तो वीडियो देख रहे हो आप, उसको बोलो दो बार डाले। ऐसे हमने वीडियो में देखा नट के ऊपर। देखो गाइस देखो ये ऊपर से टाइट कर रहे हैं भैया, इसकी वॉशर ये होती है टाइट करने के लिए। जैसे आपको पहले मैंने खोलते हुए दिखाई थी, अब ये हाथ से बिल्कुल प्रॉपर टाइट होएगी। इसके बाद ये देखो चेक कर रहे हैं कहीं से लीकेज तो नहीं ऑयल, तो देखो कहीं से लीकेज नहीं थी। अब भैया इसको लगा रहे लगाने का प्रोसेस वही रहने वाला है, नीचे दो नट ऊपर नो नट। तो गाइस देखो पूरा आपको दिखा दिया मैंने, वो मैं अब आपको आगे दिखा के बोर नहीं करूँगा। देखो वही रहने वाला है भैया, नीचे भी नट लगाएंगे दो, ऊपर भी वही नट लगाएंगे। तो अब आगे वीडियो में हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग क्या रहने वाली, क्या क्या हिसाब रहने वाला है। भाई जैसे कि आपने देखा मैंने प्रॉपर काम करवाया, मेरे इस पे पूरे 200 रुपये मैंने सर्विस चार्ज दिया और 200 रुपये काफ़ी ज़्यादा कम दिए हैं। और जगहों से पता करता काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉस्ट आती, 350 से लेके 500 तक से बंदे पैसे मांग रहे थे, लेकिन जहाँ से मैंने करवाया ये 200 रुपये में इन्हीं का ही तेल था, इन्हीं का ही सब था। अब मैं बताता हूँ, लोगों को दिमाग में रहते हैं शॉकर रिपेयरिंग नहीं चलती, लेकिन गाइस मैं बता दूं अगर आप शॉकर रिपेयर करवाते हो तो नहीं चलती, वो सही कह रहे हैं लोग, लेकिन साल तक आपको गुजारा हो जाता है, साल तक आपकी वो चल जाती है आराम से बिना कोई प्रॉब्लम दिए हुए, साल या फिर 8-6 महीने चल जाती है। यार देखो नए शॉकर पे जाओगे 2000 का खर्चा आएगा, लेकिन पुराने मैंने 200 रुपये में ठीक करवाए, तो 200 रुपये में अगर 6-7 महीने साल भी चलते हैं या फिर उससे ज़्यादा चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ट्रस्टेड बंदे से करवाना कि ऑयल प्रॉपर डाल रहा है, सील अच्छे से खोल रहा है, सील नहीं डाल रहा है, सील पुरानी तो नहीं डाल रहा, तो ये सब देख के करवाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस आई होप आपको इससे नॉलेज मिली होगी, अब आप अपना शॉकर चेंज करवा सकते हो रिपेयरिंग में, अगर नए का है तो नया डलवा लेना। तो गाइस ये सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइस पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, जल्दी से सब्सक्राइब कराओ, 50,000 का एम है, उसके बाद गिव अवे करेंगे। तो गाइस मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।